पंजाबी माइंड रेडियो चैनल पर आपका स्वागत है। और यदि आप टेक्निकल वीडियो के बारे में नॉलेज चाहिए तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। और आज की जो वीडियो है, ये हमारे जितने भी वाइन, विस्की, बियर, इनका शौक़ रखने वाले जो भी दोस्त हैं, ये उनके लिए है। वो अपने घर पे जैसे बार वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने बनाई है। हालांकि इस वीडियो से लेडीज़ डिपार्टमेंट जो है थोड़ा सा नाराज़ होगा, लेकिन फिर भी मुझे वीडियो तो बनानी है और जानकारी तो देनी ही है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, अगर अच्छी लगे उसे लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने पंजाबी माइंड रेडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिल सके। साथ में बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पे कर दे। तो आज की वीडियो में आपको जो है ये बार बना के दिखाऊंगा। बार इस नॉर्मल अलमारी के अंदर बनाना है हमने। ये लगभग 1.5 फुट बाई 1.5 फुट की अलमारी है स्क्वायर के अंदर। ऊपर जो इसकी हाइट है वो 4 फिट की है। पहले इसमें खिलौने और टेडी वगैरह रखे हुए थे, जैसे ये नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टेडी रखे हुए थे। और जो विस्की और वाइन का डिपार्टमेंट है वो इसी अलमारी में था। और इसको हम जो शिफ्ट करके इसके अंदर करेंगे, और ये जो बार होगा ये रोटेटेड होगा, अपने आप ये घूमेगा। और वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना। चलो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, अलमारी की बात करें तो ये फ्रंट से कर्व है, और इसका जो अंदर का एरिया मैं आपको बता देता हूँ। अंदर जो है इसकी जो लंबाई और चौड़ाई बराबर है, और हाइट जो मैंने बता दिया 4 फीट है। जो इसकी लंबाई है ये 17 इंच यानी कि 43 सेंटीमीटर के आसपास है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 17 इंच के आसपास है, 43 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, ये हमने एक ये कांच का पिलर लिया है। ये आपको कहीं भी ग्लास की शॉप से मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, उनसे मंगवा सकते हैं, या ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगा, आप सर्च करके देख लेना। और ये इसके जो ग्लास पिलर की लंबाई है ये लगभग 44.5 इंच है, जो हमने लिया है, मैं कट पीस मिल गया था। और वैसे ये 8 फिट की लेंथ में आता है, और ये आपको मिलेगा लगभग 800 रुपये फिट के हिसाब से मिलेगा ये आपको। और इसकी बजाय अगर आपको ये नहीं भी मिलता है तो आप स्टील का पाइप यूज़ कर सकते हैं, या पीवीसी पाइप यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी लकड़ी का पाया, जैसा आपको अच्छा फैंसी पाया वो यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी जो आपके दिमाग में वो आइटम आप यूज़ कर सकते हो। इस पाए की थिकनेस आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये 80 mm है यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक गोल प्लाईवुड का पीस लेंगे 18 mm है ये, और इसके ऊपर जो सनमाइका लगी हुई है, और इस गोल प्लाई के टुकड़े का डायमीटर जो वो 40 सेंटीमीटर है, और दूसरी साइड से 40 सेंटीमीटर है। इसके सेंटर में यानी कि 20 सेंटीमीटर पे हम एक मार्क करेंगे। 40 सेंटीमीटर हमने इसलिए लिया है कि हमारी जो अलमारी वो 43 सेंटीमीटर की है, यानी कि 43 सेंटीमीटर की। अब एक प्रकार में मार्क लगा के हम इसको 40 mm तक खोलेंगे, यानी कि हमें जो इसमें सर्कल बनाना है वो 80 mm का बनाना है। 80 mm का सर्कल का निशान लगा के हम इसमें से टुकड़ा निकाल लेंगे, क्योंकि जो हमारे कांच के पाए का डायमीटर वो 80 mm है इसलिए। फिर इस प्लाईवुड के सर्कल के बीच में एक लाइन खींचेंगे और इसको जो है डिवाइड करेंगे, यानी कि बराबरी का आधा आधा करेंगे। अब हमारा 8 सेंटीमीटर का तो ये सर्कल हो गया, और ये 16 सेंटीमीटर दोनों साइडों पे बच गया, और इसके सेंटर कर लेते हैं, यानी कि 8 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेते हैं। और फिर प्रकार को 12 सेंटीमीटर खोल के, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, वैसे इसमें जो है अपने मार्क कर लेने हैं। और ये हमें जो है 4 जगह और मार्क करने हैं, और ये मार्क लगभग हमने जो है 8 सेंटीमीटर के दूरी पर लगाने हैं, और 8 सेंटीमीटर तो एक दूसरा मार्क करेंगे जिससे हमारा एक क्रॉस निशान आ जाएगा। We'll be right back.
तीनों रिंग समझे इसमें ग्लूगन से फिक्स कर लेंगे। अब अलमारी में ये गियर मोटर फिट करेंगे, इसके नीचे हम एक वाशर लगाएंगे क्योंकि गियर मोटर की जो वायर है वो नीचे की तरफ है, इससे ये वायर कटेगी नहीं। और ये हमने गियर मोटर स्क्रू के द्वारा फिट कर लिया है, इनकी जो दूरी है बोर्ड से 21.5 सेंटीमीटर है दोनों साइड पे।